किसी रियल गुड़ से मीठा इश्क में हो रहा है नया ड्रामा, जहां पर आज मुश्किल में फंस गया है नील। असल में नील पहुंचा है एक फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन में, लेकिन यहाँ पर पवित्रा उसकी पेन ड्राइव बदल देती है। और ये बात काजू को पता चल गई है और काजू दूसरा पेन ड्राइव लेकर यहाँ पर पहुँचती है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या काजू नील को बचा पाती है या फिर कहानी में आता है कोई नया ट्विस्ट। काजू हमेशा ही नील की ढाल बनने के लिए, नील के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा रेडी है। एंड वो अभी भी ऐसा ही सिचुएशन होती है, नील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन है, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, एंड ही इज़ एन एस्पायरिंग फोटोग्राफर, दैट्स व्हाट ही रियली इज़ पैशनेट फॉर। एंड उसका एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन है जिसके सारे फोटोज़ उसके पेन ड्राइव में है। सो एंड वो उसको थोड़ा पैनिक होकर फ़ोन करता है टू गेट दोज गेट दैट पेन ड्राइव। एंड काजू वो पेन ड्राइव ढूंढ रही है, बट पवित्रा ला के उसको वो पेन ड्राइव देती है, एंड शी सेज़ दिस इज़ द पेन ड्राइव दैट यू आर लुकिंग फॉर। एंड वो यहाँ पे ला के देती है, एंड ऑब्वियसली नील इज़ एक्सटैटिक, और फिर वो जाता है। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, उस पेन ड्राइव सही है या नहीं है या वट एवर। सो तब तक अभी तक एवरीथिंग इज़ गुड इन द होल्ड। जब वो अंदर जाएगा प्रेजेंटेशन देने तब पता चलेगा कि वो ड्रामा विल अनफोल्ड। वो तो डेफिनेटली यू नो, मुझे याद है आई वॉज इन कॉलेज सेकेंड ईयर आई थिंक, जब मैं पहली बार मुझे कॉल आया था फ्रॉम फॉर अ टेलीविजन ऑडिशन, एंड आई वॉज इन हिंदू कॉलेज दिल्ली, and I remember it was Endemol Productions and their show called Beend Banunga Ghori Charunga for NDTV Imagine, you know, wo show ek aa raha tha, and I had auditioned in Delhi for it, and they had liked my audition, and they for the first time had asked me ki they matlab they flew me down, me and my mother and I, and like we came here for the audition, and I knew I was really nervous because आई रिमेंबर श्रीजी में हो रहा था, अंधेरी में जो श्रीजी है दैट इज़ द हब फॉर ऑल दी ऑडिशंस। वहाँ पे मतलब मैं आई थी मुंबई, मैंने मुझे इतना पता नहीं था मुंबई के बारे में, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम, आई वाज़ स्टिल इन कॉलेज। मैंने ऑडिशन दिया था एंड आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू यू नो अ लॉट ऑफ पीपल स्टेयरिंग एट मी वाइल आई एम सेइंग माई लाइन्स, और बहुत नया था मेरे लिए। एंड उस ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज़ वन थिंग, मतलब बट द फनी पार्ट अबाउट इट वॉज दैट वाइल ऑन आर वे बैक फ्लाइट पे, यू नो आई वॉज टेलिंग लाइक माई मदर एंड आई वी वर टॉकिंग, एंड यू नो शी सेज़ कि आई नो यू वर प्रेइंग कि तुम्हारा हो जाए, एंड आई वॉज सीक्रेटली प्रेइंग कि तुम्हारा ना हो ताकि तुम्हारी पढ़ाई ना छूटे। नेगेटिव इंसान को लेकर आई हूँ अपने साथ। या बट दैट वॉज अ स्वीट थिंग बिकॉज शी जस्ट डिड नॉट वॉन्ट मी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्टडीज, एंड शी सेज़ कि आई वॉन्ट कि तुम्हारी यू नो पढ़ाई पूरी हो, एंड देन यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सो या कुछ भी चीज़ हम जब पहली बार करते हैं तो वो जो नर्वस एनर्जी होती है ना, वो हमेशा आती ही आती है। ऐसा नहीं होता कि हम रिलैक्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं। देखो एक नेचर में भी होता है कि कोई इंसान अपने काम को बहुत सीरियसली होकर इंजॉय करता है, कोई बहुत मतलब कि आराम से ईजी होकर इंजॉय करता है, और मेरी नेचर ऐसी है कि मैं नर्वस रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं दिखाता चाहे नहीं हूँ, बहुत जो क्लोज़ लोग होते हैं वो मे बी जान सके इस चीज़ को, बट यूजुअली मैं जब ज़्यादा नर्वस होता हूँ, सीरियस होता हूँ अपने काम में, तब ज़्यादा अच्छा करता हूँ। और जो ऑडिशन का जो आपने पूछा कि पहली बार जब मैंने ऑडिशन दिया था तो कैसी फीलिंग थी, सो मेरे पैर कांपे थे बहुत, और मैं आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज एन एक्टर बट एज अ प्रोफेशन आई से दैट आई एम डूइंग एन एक्टिंग, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है मैंने, बट कहीं ना कहीं क्या होता ना कि वो जो एक टच है एक्टिंग का वो बाय नेचर आ गया है, मतलब कि ऑटोमेटिकली होता ना कि हाँ चलो आपको बॉम्बे भगवान ने बुला लिया, आप आ गए, आप कर रहे हो, चल रहे हो उसके एक पाथ पे, वही है अभी मेरा। ज़्यादा मैं इस चीज़ पे सोचता नहीं, और हाँ मेरी हमेशा हालत टाइट हो जाती है ऑडिशन पे, और होती रहे तो अच्छा है, सीरियस लेता रहूँगा अपने काम को, बेटर है। एक्चुअली ऐसा किसी ने नहीं कहा मुझे कि यू शुड ट्राई एन एक्टिंग। आई रिमेंबर आई वॉज इन क्लास 7th जब आई हैड ओनली पर्सनली डिसाइडेड दैट यू नो आई थिंक आई वॉन्ट बी एन एक्टर, बट यू नो इवन वाइल आई ऑलवेज हैड दैट नेचुरल अफिनिटी टूवर्ड्स थिएटर, टूवर्ड्स एक्टिंग, सो बिफोर एनीबडी एल्स कुड से इट आई थिंक आई न्यू माई सेल्फ दैट यू नो दिस इज वॉट आई लाइक टू डू, एंड आई शेयर्ड इट विद माई पेरेंट्स वैन आई वॉज इन कॉलेज। येस वैन आई ड्रॉ आई मीन जॉइन लाइक थिएटर सोसाइटीज इन माई कॉलेज, लाइक आई वॉज अ पार्ट ऑफ मास्क,
एंड सो देन या देन दैट इज़ व्हेन थोड़ी सी एक्चुअलिटी समझ में आने लगी कि यू नो दिस इज व्हाट आई कुड टेक अप एज अ प्रोफेशन ऑल्सो एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट या यू कुड डू प्रोफेशनल थिएटर यू नो बिकॉज व्हेन यू आर इन कॉलेज एंड यू नो यू हैव एब्सोल्युटली नो रिमोट कनेक्शन विद एनीबडी इन मुंबई एंड यू डोंट नो हाउ टू बिकम एन एक्टर सो वो वैसा ही था मेरे साथ दैट आई वॉज इन कॉलेज आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर बट ये पता नहीं था कि बनते कैसे हैं कैसे बनते हैं एंड यू नो टू जस्ट थिंक कि माई पेरेंट्स इन बिटवीन कॉलेज विल सेंड मी टू मुंबई कि हाँ जाओ जाओ एक्टर बनो वो भी एक रेरिटी था बिकॉज माई पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव कि यू नो एजुकेशन होना चाहिए एंड आई वॉज वॉट 20 ईयर्स ओल्ड सो दे थॉट दैट यू नो आई डोंट हैव दैट नेसेसरी पब्लिक एक्सपीरियंस एंड आई एम टू नाइव एंड टू यू नो टू जस्ट गो टू इन टू अ सिटी लाइक मुंबई विदाउट एनी वर्क सो एंड आई हैड गॉटन प्लेस्ड विद कॉलेज इन अ कंपनी कॉल्ड ITC सो आई डिड सेल्स एंड मार्केटिंग बिकॉज माई पेरेंट्स थॉट दैट या बट लाइक वी डिड कम टू मुंबई बट दे स्टिल थॉट दैट यू नो a little bit of public experience a public relations experience will do me good then I'll be able to sort of you know find my feet when I finally come to Mumbai and aisa hi hua I did sales and marketing for about 3 years when I was in Bangalore and then when I so when I finally got the offer to you know leave like an offer from television that's when I think I remember having a conversation with my father and he said I think it's time you took the plunge and it's time you just you know quit and you just go and do what you really want so you know that's how it happened for me.